कुशल युवा कार्यक्रम, स्वयं सहायता भत्ता, हर प्रकार की सहायता को दिलवा करके हम युवाओं को कितना आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो हर प्रकार से काम करने का मौका मिला है साहब, हम लोगों ने काम किया, हम यही बता देना चाहते हैं, पहले से लेकर के आज तक। और जरा देख लीजिए क्या हाल था सड़कों का, कहीं कोई सड़क थी? हम सांसद थे बाढ़ क्षेत्र से उस समय, अब तो बाढ़ क्षेत्र नाम का संसद अब नहीं है। और साहब जब हम घूमते थे अपने क्षेत्र में, तो प्रतिदिन जब भी हम घूमते थे, हम ये भूल नहीं सकते हैं, 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था साहब। हम लोगों ने काम किया, हम यही बता देना चाहते हैं, पहले से लेकर के आज तक। और जरा देख लीजिए क्या हाल था सड़कों का, कहीं कोई सड़क थी? गांव में जाने के लिए सड़क था? हम तो बराबर कहते हैं, हम सांसद थे बाढ़ क्षेत्र से उस समय, अब तो बाढ़ क्षेत्र नाम का संसद अब नहीं है, पार्लियामेंट का सीट, लेकिन जो हम वहां पर 5 बार हम वहां से एमपी बने। और साहब जब हम घूमते थे अपने क्षेत्र में, तो प्रतिदिन जब भी हम घूमते थे, हम ये भूल नहीं सकते हैं, 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। और आप बताइए आज कोई कोई किसी की स्थिति है पैदल चलने की? क्या स्थिति रहती थी? और हम लोगों ने जिस तरह से हर गांव को सड़क से जोड़ने की योजना बनाई, जो बाहर की ओर सड़कें हैं, तो जो हम लोगों ने इस तरह से जो प्रयास किया, कितना पुल बनाया, पुलिया बनाया, ये सब काम किया। अब लोग जा रहे हैं, अब सब तरह की सुविधा, अब एक एक काम हम लोगों ने बता दिया है, एक एक चीज के बारे में घोषणा कर दी है। 7 तारीख को हमने जो 7 सितंबर को जो कार्यक्रम किया, उसमें हमने एक एक बता दिया है, फिगर बता दिया कि साहब कितना काम हो गया, कितनी सड़कें बन गई, जो थोड़ी बहुत बची हुई है वो भी ठीक हो जाएंगी। तो हर क्षेत्र में काम, उसी तरह से कृषि के क्षेत्र में काम, कितना ज्यादा कृषि रोड मैप बना करके हम लोगों ने कृषि के उत्थान का काम किया है, लोगों की आमदनी बढ़ी है, उपज बढ़ा है, हर प्रकार से सहयोग सहायता, ये सब काम हम लोग करते रहे। तो आज तक जितना काम किया गया है, और समाज में जो तबका, जो हमने कहा न्याय के साथ विकास, यानी हर इलाके का विकास, उसकी बात की, हर तबके का उत्थान, जो किनारे पड़े हुए थे उनको ऊपर लाने का, जो किनारे थे कौन, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग, महिलाएं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, सबको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अलग अलग कितनी योजनाएं हम लोगों ने बनाकर चलाई है। आज सबके कल्याण के लिए, अनुसूचित जाति से लेकर के सबके लिए, हर जगह। और आप जानते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, अति पिछड़े के लिए, पिछड़े के लिए, तो आप सोच लीजिए, इतने दिन से हम लोगों ने प्रयास करते करते न्यायिक सेवाओं में भी आरक्षण का लाभ दे दिया, आरक्षण का लाभ मिल गया हर क्षेत्र में लोगों को। तो हर प्रकार से जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, नगर निकाय हैं, उसमें भी अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति को, यहां 2000 में इलेक्शन कराए थे, किसी को आरक्षण था? महिलाओं को तो नहीं ही था, अनुसूचित जाति को भी था, अनुसूचित जनजाति को भी था, किसी को नहीं था। तो हम लोगों ने एक एक काम, जब काम करने का मौका मिला, सबसे पहले जो एक्ट बनाए, और उसके बाद हम लोगों ने जो 2006 में चुनाव हुआ, तो किस तरह से 50% महिलाओं को, 20% अति पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1%, ये सब किया गया।